इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण का मतलब ये होता है जब कोई कुंडली है और जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रभावित की जाती है, ठीक है, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण उसके में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बदलने लगता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा का मान भी बदल जाता है। फिर से बात समझ सकते हैं आप, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान को बढ़ाया जाता है, धारा के मान को घटाया जाता है, ठीक है, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। तो इस घटना को हम जो है स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक। देखो, जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, ठीक। तथा इस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब एक बात समझ लो, उसके बाद फिर एक चीज दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो किसी कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं और एक फेरे में मान लो फ्लक्स में परिवर्तन मान लो फाई होता है, एक फेरे है ना, फ्लक्स में परिवर्तन मान लो फाई होता है और कुंडली में एन फेरे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है एन फाई। क्या हो जाता है? एन फाई। तो इस एन फाई को हम लोग क्या कहते हैं मालूम? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। यानी इस एन फाई का मतलब समझ लो, एन फाई का मतलब होता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, इसे हम लोग कहते हैं एन फाई, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, एक डालो हेडिंग स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। ये डालो हेडिंग स्वप्रेरण गुणांक, या इसे कहते हैं स्वप्रेरकत्व। इसको स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं और जो है स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। इसका इंडिकेट कैपिटल एल होता है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व को हम लोग कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो लिखो, माना कि किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन तथा प्रत्येक फेरे में फ्लक्स परिवर्तन तथा प्रत्येक फेरे में फ्लक्स परिवर्तन फाई है, तब उस कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथताओं की संख्या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई, एन फाई समानुपाती आई, एन फाई समानुपाती आई, जहां आई कुंडली में प्रेरित धारा है, जहां आई कुंडली में प्रेरित धारा है, ठीक है, या
एन आई बराबर एल आई, ठीक ठीक, या एल बराबर एन आई अपॉन आई, या एल बराबर एन आई अपॉन आई। देखो जहां कैपिटल एल एक नियतांक है, जहां कैपिटल एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसकी लिखेंगे परिभाषा, आई बराबर वन एम्पीयर, तो क्या हो जाएगा एल बराबर एन आई, ठीक है। तो देखो यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा, यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा एक एम्पियर है तो उस कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के तुल्य होगी, ठीक है। जिनको नई लाइन से एस आई प्रणाली में स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी, इसका मात्रक हेनरी होगा, ठीक है। एस आई प्रणाली में इसका मात्रक हेनरी, एक साइंटिस्ट था, ठीक, उसी के नाम पर इसका मात्रक रख, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट